नमस्कार। आज 14 सितंबर है और हिंदी मौके पर एक खास तरह का आयोजन, खास तरह की चर्चा। और आज हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ श्री कमर वहीद नकवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, कई मीडिया संस्थानों में करीब 4 दशक का उनका अनुभव है और कई मीडिया संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रहकर संपादकीय संभाली है, जिम्मेदारी संभाली, और हिंदी पर विशेष काम करते रहते हैं और लगातार हिंदी के प्रचार प्रसार में वो लगे हुए हैं। हमारी दूसरी खास मेहमान डॉक्टर कीर्ति काले हैं। स्वागत है कीर्ति जी आपका, नकवी जी आपका भी जी स्वागत है। नमस्कार, जी नमस्कार। देश की बहुत बड़ी कवित्री हैं, चर्चित कवित्री हैं और दुनिया के तमाम बड़े देशों में जाकर उन्होंने काव्य पाठ किया है। करीब 30 साल से वो काव्य मंचों पर अपनी जो बुलंदी है उसका झंडा गाड़े हुए हैं। जितने बेहतरीन वो कवित्री हैं उससे ज्यादा उम्दा वो मंच संचालक भी हैं। तो दोनों ही भूमिकाओं ने आप लोगों ने उन्हें बहुत देखा है, सराहा इसने दिया है। कीर्ति जी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम लोग हिंदी पर चर्चा करेंगे। हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर ममता पाठक शर्मा जी। ममता जी आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश के जौरा में शासकीय महाविद्यालय में वो हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी साहित्य में पीएचडी हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं हिंदी की। तो आज चर्चा में ममता जी भी लगातार हमारे साथ अगले घंटे तक कार्यक्रम में जुड़ी रहेंगी। चौथे हमारे मेहमान जो बेहद खास हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, उनको भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है लेकिन किसी तकनीकी वजह से वो फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। हम कोशिश जारी रखेंगे कि उन्हें जल्दी जल्दी हम जोड़ें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। शुरुआत करते हैं नकवी जी आपसे। सभी को प्रणाम करती हूँ मैं, हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी और फेसबुक के सभी साथियों को मैं नमस्ते, सादर अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। नकवी जी आपसे शुरुआत करें चर्चा की। एक लंबा अनुभव आपके पास पत्रकारिता का है, मीडिया संस्थानों में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं और हिंदी पर आप आज भी लगातार उसी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। ये हिंदी दिवस हो या हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सप्ताह, इस तरह के आयोजनों से हिंदी को स्थापित करने में, हिंदी के प्रचार प्रसार में कितनी मदद मिलती है या अब ये एक रस्म अदायगी भर रह गया है? देखिए, जहाँ तक मैं बेबाकी के साथ कहूँ तो ऐसे दिवस या ऐसे पखवाड़े मनाने से हिंदी का कोई भला नहीं हुआ। 70 साल से हम लोग हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं और हिंदी का उससे कोई विशेष भला नहीं हुआ। और वास्तव में जो हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी कि सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, कम से कम ही ये सरकारी दफ्तरों में 15 दिन या 7 दिन तक हिंदी में काम किया जाए, लोगों की आदत पड़े हिंदी में काम करने की। तो इस उद्देश्य से मूल रूप से ये हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था। लेकिन सरकारी दफ्तरों में हिंदी बिल्कुल हिंदी में जो कामकाज है व्यवहारिक रूप से बिल्कुल शुरू नहीं हो पाया। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि भारत के बहुत से प्रांत हैं जो हिंदी नहीं समझते, तो वहाँ पर हिंदी को लेकर के एक तरह का प्रतिरोध है, तो एक ये समस्या है। दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है वो शब्दावली की। जो शब्दावली सरकारी हिंदी की बनाई गई है वो शब्दावली ऐसी है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। हम लोग 40 से 1 साल से पत्रकार हैं और हमको भी समझ नहीं आती। और मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी घटना कि मुझे जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो उन्होंने रेलवे की हिंदी सलाहकार समिति में मुझे नॉमिनेट किया। तो मैंने पहला सवाल वहां पे यही रखा है कि भाई आपका जो रेल बजट हिंदी में होता है वो हमको समझ में नहीं आता, तो इतनी कठिन हिंदी आप क्यों आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो उसके बाद उस साल ये हुआ कि अच्छा ठीक है, इस बार वो काम मुझे दिया गया कि आप हिंदी आसान कर दीजिए, पिछला रेल बजट ले लीजिए, उसकी हिंदी आसान करके हमें नमूने के तौर पे दे दीजिए। तो वो मैंने दे दिया और अगले साल जो रेल बजट आया वो काफी अच्छा था, बहुत उसमें आसान हिंदी लिखी हुई थी। लेकिन उसके बाद वो ममता बनर्जी रेल मंत्री रही नहीं, उसके बाद वो सारा सारा जो काज सारी जो कवायद थी वो खत्म हो गई, रेल बजट वापस अपनी कठिन हिंदी के ढर्रे पे आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि हम पत्रकार लोग जो कठिन से कठिन शब्दावली होती है समाचार की या तथ्यों की, उसको हम आसान हिंदी में पूरे देश की जनता तक पहुंचाते हैं। सरकारी दफ्तर ये काम नहीं कर पाते हैं और इसलिए जो सरकारी कामकाज है वहां हिंदी चल नहीं पाई।
नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। कहीं ना कहीं फर्क दिखता है सरकार की अपनी हिंदी में और आम भाषा और व्यवहारिक हिंदी में। कीर्ति जी, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, अगर हिंदी की दशा की बात करें और दिशा की बात करें, तो क्या मौजूदा स्थिति आप देखती हैं? राघवेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि जब तक अपनी भाषा के प्रति हमारे मन में गौरव की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक सरकारी तौर पर कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, वो सफल नहीं हो सकते। हम जब तक हिंदी को रोजगार की भाषा नहीं बनाएंगे, हिंदी में पढ़े हुए बच्चे को आसानी से रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हम, मैं स्वयं हिंदी की कवयित्री हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए विवश हूँ, क्योंकि मुझे उनका भविष्य देखना है। तो इसलिए जब तक हम बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाकर उनके मन में गौरव की भावना अपने भाषा के प्रति उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक सरकारी तौर पर कितने भी दिन मना लिए जाएं, कितने भी उत्सव मना लिए जाएं हिंदी के, लेकिन वो उतनी कारगर साबित नहीं हो सकते हैं। एक छोटी सी मैं बात बताऊं, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं जब भी विदेशों में जाती हूँ, तब मुझे ये प्रतीत होता है कि हमारे हिंदी फिल्मों ने जिस तरह से बढ़ावा दिया है बाहर के देशों में हिंदी को लेकर, उतनी हमारी सरकार भी नहीं दे पाई है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी है और प्रयास हम हिंदी, जैसे बैंकिंग में हिंदी काफी हद तक आ चुकी है, बैंक के कार्यकलाप हिंदी में होने लगे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वहां के फॉर्म छपते हैं, लेकिन फिर भी वहां के कहा यह जाता है ऊपरी तौर से कि आप हिंदी में भरें या अंग्रेजी में भरें, दोनों ही हम उनको ग्रहण करेंगे, लेकिन जो भी अंग्रेजी में भरकर लाता है उसका उसका बहुत महत्व दिया जाता है और हिंदी वाले को थोड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो जब तक हमारे मन में हिंदी के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक बिल्कुल साफ तौर पर है कि सरकारी कितने भी कानून कायदे नियम बना लिए जाएं, उसका उतना असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जब हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी में भाषण देते हैं, हमारे जब योग दिवस मनाया जाता है और योग के कारण हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं बहुत दूर दूर तक फैली हैं, तो इस तरह से अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से सरकारी माध्यमों से भी हिंदी पहुंची है। लेकिन हाँ, मैं नकवी जी के बात का समर्थन करूंगी कि हिंदी को इतना कठिन न बना दिया जाए कि हिंदी के जानकार भी हिंदी से दूर भागने के लिए विवश हो जाएं। हिंदी बहुत बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही अपनत्व भरी भाषा है, और उसे मूल रूप में ही रहने दिया जाए। सरकारी कामकाज में भी हिंदी इतनी कठिन ना कर दी जाए कि हिंदी जानने वाले लोग भी अंग्रेजी को ही अपनाने के लिए विवश हो जाएं। कीर्ति जी, हम इसी बिंदु पर दोबारा लौटेंगे आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जो आपने कहा कि चूंकि रोजगार और बेहतर भविष्य का एक कारण रहता है जिससे अंग्रेजी को लोग तवज्जो देते हैं पढ़ाई में, तो ये हम ममता जी के पास चलेंगे। ममता जी, आपको हिंदी पढ़ाती हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं क्लास में, कक्षा में, मैं जानना चाहता हूं कि वो उनकी मानसिकता क्या होती है, कि विषय के तौर पर लेते हैं, उनकी मानसिकता ये है कि हमें पढ़ना है, पास होना है, आगे बढ़ जाना है, या वाकई हिंदी पढ़ते पढ़ते उनका एक लगाव होता है हिंदी से? देखिए राघवेंद्र जी, आपका ये जो प्रश्न है, इससे पहले मैं, जो आपका पहला प्रश्न था उसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जैसा नकवी सर ने अभी बोला और कीर्ति मैडम भी अभी जो बोल रही थी, उसी संदर्भ में, उसी तारतम्य में बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि दिवस जो मनाए जाते हैं वो हमेशा कमजोर लोगों के लिए मनाए जाते हैं। महिला दिवस हम मनाते हैं या मजदूर दिवस हम मनाते हैं, और अब आज जैसे हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो हम खुद स्पष्ट तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी की दशा बहुत खराब है, कमजोर है, और चूंकि वो कमजोर है इसीलिए आज हम दिवस के रूप में उसे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि दबी जुबान में हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदी की दशा खराब है क्योंकि उसका दिवस मन रहा है। ये स्वीकार्यता हिंदी की कमजोर स्थिति में सुधार की दिशा में पहला कदम होता है, और इसी वजह से हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाना एक रस्म अदायगी कहना भी थोड़ा सा गलत है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि हिंदी दिवस मनाया जाना
हिंदी प्रेमियों के लिए वैसा ही है जैसे प्रेमी युगलों या एकलों के लिए वैलेंटाइन डे मनाना। तो वैलेंटाइन डे मनाना, हालांकि प्रेम उसमें हो या ना हो, लेकिन एक दिन के लिए उत्साह का संचार जरूर होता है। जैसे आज हिंदी दिवस मना के हम उत्साह का संचार कर रहे हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है राघवेंद्र जी, मैं उस पर आती हूँ। आपने मुझसे पूछा कि हिंदी में दिलचस्पी की वजह से छात्र हिंदी विषय चुनते हैं, या उनका लगाव लगाव है, या उनकी मजबूरी है, या फिर डिग्री पाने के लिए वो चुनते हैं। तो इस विषय में मैं स्पष्ट तौर पर आपको ये कहना चाहूंगी कि विषय के रूप में हिंदी छात्रों की पहली पसंद इसलिए है कि कम समय में और कम मेहनत में वो परीक्षा पास करने की उम्मीद दिलाती है। उन्हें लगता है हिंदी सरल है और अक्षर ज्ञान और बोलचाल में वे बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए वे हिंदी विषय का चुनाव बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब हेलो जी ममता जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। और भाषा के रूप में हिंदी से वो उतने ही दूर रहते हैं जैसे एक नास्तिक आदमी धर्म से दूर रहता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सच तो ये है कि हिंदी भाषा से उनकी ये दूरी जो है उसकी जिम्मेदार वो लोग स्वयं नहीं है, हमारी सरकारें जिम्मेदार है। हमारी जो व्यवस्था है, जो शुरुआत से जब विद्यालय स्तर पर कोई व्यक्ति बच्चा होता है वहां से जो कमजोरी शुरू होती है, वो अंत तक जो जा रही है कि वो हिंदी को बड़ा सरल सहज और बड़े ही सीधे रूप में ले रहे हैं कि हिंदी ले लिया तो एग्जाम वो पास कर ही लेंगे या इम्तिहान उनका पास हो ही जाएगा जी। और अध्यापन और लेखन के अलावा मुझे नहीं लगता कि हिंदी भाषा के पास अभी काले काले मैडम भी अभी बोली ये बात कि जैसे वो खुद एक कवित्री है, वो ऐसा महसूस करती हैं, ऐसा वो अनुभव कर रही हैं कि हिंदी भाषा के पास केवल लेखन और अध्यापन के अलावा रोजगार देने के लिए और कोई रोजगार उन्मुखी कुछ उनके पास अगला वो चरण नहीं है जिससे कि बच्चे ये सोच रहे कि हाँ मैं हिंदी में एमए करके, पीएचडी करके या नेट करके और भी कर लूंगा। वैदिक जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। वैदिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारी ओर से भी नमस्कार पूछे वैदिक सर को। नमस्कार वैदिक जी। नमस्कार वैदिक जी। वैदिक जी आपको आवाज मिल रही है हम लोगों की? वैदिक जी का ऑडियो शायद बंद है। ऑडियो, हाँ ऑडियो बंद है। ऑडियो ऑन करवा दीजिए। वैदिक जी जल्दी जुड़ेंगे, मेरे ख्याल से ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। नकवी जी जो बात अभी ममता जी कह रही हैं, ये एक बड़ा पहलू है, लेकिन अगर हम रोजगार की ही बात पर आए तो ये एक मानसिकता बन गई है। हालांकि अंग्रेजी का वर्चस्व जो है, जो उसकी निर्भरता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या हिंदी के रोजगार के अवसर बराबर खड़े हो सकते हैं? देखिए कोई भी भाषा जो, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी भाषा जो रोजगार नहीं दे सकती वो चल नहीं सकती आगे। तो भाषा का जो उपयोगिता का सिद्धांत है कि भाषा सिर्फ बोलने चालने बरतने तक ही नहीं है, उसका वो उपयोगी होनी चाहिए और वो हर मोर्चे पर उपयोगी होनी चाहिए। तो आज के समय में हम थोड़ा सा एक दूसरी परिस्थितियों में, दूसरी परिस्थितियों का मेरा कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी, अब हम जिस तरह की टेक्नोलॉजी में हैं, जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ है और जैसे हम इंटरनेट पे हर चीज के लिए निर्भर हो रहे हैं, ऐसे में हिंदी या दुनिया की कोई भी भाषा वो इंटरनेट के सहारे ही आगे बढ़ेगी, ये हमको मान के चलना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि यूनेस्को का एक अध्ययन है, उनके मुताबिक दुनिया में करीब 7,000 भाषाएं हैं इस समय, जिनमें से इस सदी के अंत तक करीब आधी भाषाएं खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी? क्योंकि इंटरनेट पे जो भाषा चल रही है, जिसके जो जिस भाषा में इंटरनेट पे बात करने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे वो भाषा उतने दिन तक टिकी रहेगी। एक दूसरी बात यह है कि अभी जो हिंदी का जो विस्तार हुआ है इधर, जैसे कीर्ति जी ने कहा कि सिनेमा के वजह से विस्तार हुआ, वो पहला फेज था हिंदी का जहां सिनेमा के वजह से हिंदी का विस्तार हुआ। दूसरा जो चरण था वो टेलीविजन के जरिए विस्तार हुआ, जहां पर आप दूरदर्शन के काल से देखिए कि महाभारत या रामायण या हम लोग या बुनियाद, इस तरह के जो सीरियल थे,
जिनको दूर दराज तक और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी लोगों ने बहुत देखा। उसके बाद हिंदी की खबरें, फिर अभी जो हिंदी के मनोरंजन चैनल हैं जितने उन पे जो धारावाहिक चलते हैं, तो उन्होंने हिंदी का एक बहुत बड़ा विस्तार किया। और चूंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, केबल के कारण दूरदर्शन टीवी की पहुंच सीमित थी, डीटीएच के आने के कारण टीवी की पहुंच अब गांव गांव तक हो गई है, बिजली भी गांव तक पहुंच गई, तो विस्तार हुआ। अब जो तीसरा चरण है ये वो है इंटरनेट का, जहां पर हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी मोबाइल पर इंटरनेट देख रहा है। अभी केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 तक इंटरनेट के जो लोग होंगे वो करीब 74 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, उसमें से 54 करोड़ लोग हिंदी या भारतीय भाषाओं के होंगे और केवल 20 करोड़ लोग होंगे जो अंग्रेजी के होंगे। अब भारतीय भाषाओं और हिंदी में जो इंटरनेट पे का इस्तेमाल करने वालों की तादाद है वो 18% उसकी वृद्धि दर है, जबकि अंग्रेजी में ये वृद्धि दर 3% है। समझ रहे, एक ही आंकड़ा है। दूसरा मैं आंकड़ा और दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि जो इंटरनेट पे विज्ञापनदाता है, विज्ञापनदाताओं का जो अध्ययन है उसके मुताबिक इंटरनेट पे 88% विज्ञापन जो भारतीय भाषाओं या हिंदी भाषा में आते हैं वो ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता है, वो ज्यादा असर उनका होता है और उसके जरिए लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। इसी तरह से YouTube वगैरह पे, YouTube पे करीब 95% वीडियो हिंदी या भारतीय भाषाओं के। तो कुल मिला के अभी इंटरनेट की वजह से हिंदी का विस्तार बहुत ज्यादा होने वाला है। और जो रोजगार की बात है तो हो सकता है कि वो परंपरागत रोजगार नहीं मिलेगी, यानी आप IAS अफसर नहीं बन पाए, IPS अफसर नहीं बन पाए, उसके लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदी के जरिए जो रोजगार हो रहा है मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो हो रहा है। दूसरे ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री में गूगल ट्रांसलेट या ऐसी बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जिनको अब हिंदी की शब्दावली चाहिए, तो वो या भारतीय भाषाओं की शब्दावली चाहिए। बहुत से कंटेंट एग्रीगेटर हैं जैसे डेली हंट है, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग शेयर चैट है, वो 12-12, 15-15 भारतीय भाषाओं में अपना जो है ऐप निकाल रहे हैं, उनके लिए काम करने के लोग चाहिए। तो हिंदी में जो नया रोजगार पैदा होगा वो परंपरागत नहीं होगा, वो बिल्कुल गैर परंपरागत रोजगार होगा हिंदी और भारतीय भाषाओं में, और ये इंटरनेट के कारण होगा। रखी सामने कीर्ति जी, करीब 3 दशक का आपका एक अनुभव है मंच का, काव्य मंचों का, पुराने तमाम बड़े और दिग्गज कवियों के साथ आपने मंच साझा किया है, नई पीढ़ी के तमाम कवियों के साथ भी आप मंच साझा कर रही हैं और आपके संचालन में नई पीढ़ी के तमाम कवि काव्य पाठ करते हैं। मंच की हिंदी कहां से कहां पहुंची है, क्या उसी परंपरा को अभी तक आगे ले जाया जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, या जो सामने दर्शक मौजूद होते हैं उनके हिसाब से कहीं ना कहीं अब एक मजबूरी होती जा रही है कि सामने बैठा श्रोता और दर्शक जिस जबान में, जिस लहजे में समझ रहा है, हम उसी में काव्य पाठ करें? ऐसा है राघवेंद्र जी, ये हमेशा से रहा है। मंच केवल कविता लेखन नहीं है, जो काव्य पाठ नहीं है, काव्य पाठ के साथ में कवि सम्मेलन में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। कवि सम्मेलन में एक कविता पाठ एक तत्व है, उसके साथ में मंच सज्जा, संचालन, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था, आयोजक, संयोजक और श्रोता, ये सब मिलकर कवि सम्मेलन बनाते हैं। तो इन सभी सभी का सभी घटकों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, उन सबके समावेश से कवि सम्मेलन खड़ा होता है। तो इसमें जब हम पहले से देखें, जब बच्चन जी का युग था, बच्चन जी के से हम कवि सम्मेलन का प्रारंभ मानते हैं, उसके पहले से भी रहा हो लेकिन बच्चन जी से ही प्रारंभ इसलिए मानते हैं क्योंकि तभी से थोड़ा थोड़ा विस्तार होना कवि सम्मेलनों का प्रारंभ हुआ और सामूहिक रूप से कविताएं पढ़ी जाने लगी बच्चन जी से, ऐसा माना जाता है। तो उस समय भी जो बच्चन जी की शब्दावली थी और उस समय के साहित्यिक लोगों की शब्दावली थी, उन दोनों में बहुत अंतर था, क्योंकि सामने जो श्रोता बैठा होता है वो सारे श्रोता बहुत साहित्यिक नहीं होते हैं। बोलचाल, जैसे कि बोलचाल की भाषा अलग होती है और साहित्य की और लिखने की भाषा अलग होती है, वैसे ही कवि सम्मेलन की भाषा की, कवि सम्मेलन की कविताओं की भाषा और साथ में साहित्यिक लेखन की भाषा हमेशा थोड़ी बहुत अलग रही है, लेकिन फिर भी दोनों में एक संतुलन बनाने की बहुत आवश्यकता होती है।
दिनकर जी, उसके बाद नीरज जी, रंग जी, नेपाली जी और अभी अभी के जो कवि हैं, उन सब में भाषा में परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहा है। जैसे कि जीवन में परिवर्तन होता है, जीवन में जिस तरह की भाषा में परिवर्तन होता रहा होता रहता है, जैसे कि ये भाषा तो एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी का प्रवाह अगर रुक जाएगा तो वो भाषा भी वो नदी का पानी सड़ जाएगा। वैसे ही भाषा अगर प्रवाहित रहेगी तो वो विकसित होती रहेगी, उसमें दूसरे भाषाओं के शब्द भी मिलते रहेंगे, तो भाषा परिवर्तित होती रहती है। और उसके साथ युग के साथ में कवि को भी अपनी भाषा में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम पहले पंत जी की भाषा देखें तो अभी अभी का अगर श्रोत अभी अगर श्रोता को पंत जी की कविता मंच से सुनाई जाएगी तो वो कहेगा कि ये कौन सी भाषा में आप सुना रहे हैं, तो उसे समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए एक संप्रेषण श्रोता और कवि में होना चाहिए, तो इसलिए भाषा बदलती रहती है। अब अंग्रेजी के शब्द बहुत सारे कविताओं में आने लगे हैं क्योंकि सामने बैठे हुए श्रोता अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए होते हैं और कवि भी बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख कर आते हैं, तो एक बोलचाल की भाषा में वो कविता लिखते हैं। लेकिन कवियों का दायित्व बहुत अधिक है क्योंकि वो मंच पर विराजमान होते हैं, श्रोताओं से थोड़ी ऊपर विराजमान होते हैं, उनका उत्तरदायित्व श्रोताओं से बहुत अधिक होता है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे कवियों का दायित्व बहुत अधिक है, वो अपनी भाषा को बहुत संयमित रखें, भाषा ऐसी हो कि वो कवियोचित भाषा हो, साधारण भाषा नहीं है। आप कवि हैं, आप कवि हैं तो आपका दायित्व है कि आपकी भाषा कवियोचित भाषा हो, आपका आपकी वेशभूषा भी कवियोचित वेशभूषा हो, आप आपस में जब भी संवाद करें वो भी कवियोचित संवाद करें, तो आपको एक स्तर श्रोताओं से ऊपर उठकर ही बात करनी चाहिए, उनसे एक सामंजस्य बनाते हुए, लेकिन फिर भी उनसे एक स्तर ऊपर उठकर और उन्हें अपने स्तर पर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं सभी कवियों से भी कहना चाहती हूँ इस संवाद के माध्यम से कि वो अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरह से और उसके बाद में अपनी भाषा का प्रयोग करें। बहुत अच्छी बात कही कीर्ति जी आपने। और एक वो दौर था जब कहीं पर मुशायरा या कवि सम्मेलन होता था तो माँ अपने बच्चे को स्कूल ना भेज के उस कार्यक्रम में भेजती थी, और शायद तब उस माँ की ये मानसिकता होती थी कि कवि सम्मेलन और मुशायरे में बच्चा वो तमाम बातें सीख सकता है जो एक दिन अगर स्कूल नहीं जाएगा तो शायद वहां सीखने को नहीं मिलेंगे। तो वो एक मानसिकता जो थी उसमें एक दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि संदेश देने की जो बात है बहुत बड़ी भूमिका है, आपने सही कहा, सामाजिक जागरूकता की बात हो चाहे भाषा के लेवल पे, चाहे वो तमाम अलग अलग मुद्दों के स्तर पर बात हो, सामाजिक संदेश देने में कितनी बड़ी भूमिका है मंचों की। राघवेंद्र जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कवि सम्मेलन के मंच और मुशायरों के मंच बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और निभाते भी रहे हैं। जब नीरज जी ने यह गीत सुनाया कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, तो बहुत सारे युवाओं में आशा का संचार होता है और वो जब इस रचना को सुनते हैं तो जो निराश हो जाते हैं, जो युवक निराश हो जाते हैं, जो युवतियां अपने जीवन से निराश हो जाती हैं, वो भी ये सोचने लगती हैं कि अगर हमारा एक सपना टूट गया तो क्या हुआ, हजार सपने हमारे सामने खड़े हुए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। तो इस तरह की प्रेरणादायक कविताएं मंचों से होनी चाहिए और आज भी होती हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हिंदी के कवि सम्मेलन और मुशायरों में इसलिए थोड़ी बहुत गिरावट आई है, पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे जैसे लोग भी आज मंच पर हैं और मेरे जैसे तमाम लोग मंच पर हैं जो साहित्य को लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें जब से लाफ्टर का घालमेल शुरू हुआ है हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरों के मंच पर, लाफ्टर के जो जो जोक सुनाने वाले लोग हैं उनका जब से घालमेल शुरू हुआ है तब से कवि सम्मेलन और मुशायरों में कविताएं अपने स्तर से थोड़ी सी, पहले के स्तर से थोड़ी सी कम हुई हैं। क्योंकि जब आप लाफ्टर फेम के जो लोग हैं उनका फोटो बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े पोस्टर पर बड़ा बड़ा छापेंगे, और जो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जैसे लोग हैं, श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी जैसे लोग हैं जो कविता को लेकर मंच पर आते हैं, डॉक्टर कीर्ति काले जैसे लोग हैं, उनका फोटो और उनका नाम छोटे छोटे अक्षरों में छापेंगे, तो किस तरह से ऑडियंस को, किस तरह से श्रोताओं को एक संदेश पहुंचेगा, और उसी तरह के श्रोता कवि सम्मेलन और मुशायरों में आएंगे। तो आपको कवि सम्मेलन अलग विधा है, लाफ्टर एक बिल्कुल अलग विधा है, दोनों को अलग अलग मंचों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब दोनों एक ही मंच पर प्रस्तुत किए जाने लगे तो दोनों के श्रोता मिल गए
और उसके बाद जो कवि सम्मेलन का कविता का बहुत जीवंत श्रोता है वो हमेशा कभी भी उत्पात नहीं मचाता है। कविता अगर उसको अच्छी लगी तो वो बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और अगर अच्छी नहीं लगी तो शांत होकर बैठ जाता है, न कभी हूटिंग करता है न कभी सीटियां बजाता है। लेकिन लाफ्टर का श्रोता अगर उसको एक लाइन भी अच्छी नहीं लगती है तो वो हल्ला मचाने लगते हैं। ये अंतर होता है लाफ्टर में और कवि सम्मेलन के श्रोता में। तो इसी तरह से उन दोनों के कलाकारों में भी बहुत इसी तरह का अंतर होता है। तो दोनों ही विधाएं अलग है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि लाफ्टर गलत है और या खराब है, उस लाफ्टर को आप अलग मंच पर प्रस्तुत करें और कवि सम्मेलन और मुशायरे को अलग मंच पर प्रस्तुत करें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग विधाएं हैं। तो जब तक ये दोनों अलग अलग रहती हैं और रही हैं, तब तक कवि सम्मेलन और मुशायरे एक प्रेरणादायक मंच रहे हैं। और जब से ये दोनों एक साथ मिल गए हैं तब से न तो लाफ्टर लाफ्टर रहा है न कवि सम्मेलन मुशायरे कवि सम्मेलन मुशायरे रहे हैं। वैदिक जी कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्ते। हाँ बिल्कुल आ रही। अभी तक जो चर्चा की हमने मेहमानों के साथ वो इस दिशा में जा रही थी कि क्या इसलिए हिंदी की अनदेखी की जाती है कि रोजगार के अवसर हिंदी में कम है, क्या अंग्रेजियत इसलिए हावी हो रही है कि अंग्रेजी पढ़कर रोजगार के अवसर ज्यादा मिल सकते हैं, ये मानसिकता। और दूसरा इससे अलग एक सवाल ये है कि सरकार के स्तर पर जो कवायद होती है हिंदी को स्थापित करने की, चाहे वो समितियों में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर, चाहे वो हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह मनाने की कवायद हो, कैसे देखते हैं इस पूरी कसरत को आप? देखिए मैं तो ये मानता हूं कि हिंदी दिवस को अंग्रेजी हटाओ दिवस के तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि जब तक अंग्रेजी का दबदबा रहेगा हिंदुस्तान में ना हिंदी बढ़ेगी ना दूसरी भारतीय भाषाएं बढ़ेंगी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सहयोग और प्रेम तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि अंग्रेजी नहीं हटेगी। अंग्रेजी एक फर्जीवाड़ा है, एक नकली सेतु है, एक नकली पुल है भारतीयों के बीच में। इस नकली पुल को तोड़ना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। ये काम करने के लिए कोई गांधी जैसा, कोई लोहिया जैसा या कोई मेरे जैसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये मामूली हैसियत के लोग भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनको न तो कोई समझ है, न कोई जिनके पास दृष्टि है, न जिनके पास साहस है, कुछ भी नहीं है। अब तक जितने प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं, कई मेरे परम मित्र रहे हैं, परम मेरे आदरणीय रहे हैं, मेरे बड़े भाई की तरह रहे हैं कुछ प्रधानमंत्री तो, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो अंग्रेजी के खिलाफ बोलें, क्योंकि वो विदेशी भाषा के नाम पर अंग्रेजी के अलावा कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने दुनिया में अंग्रेजी देशों के अलावा अन्य देशों में कभी उनका रहना पढ़ना पढ़ाना लिखना ये हुआ ही नहीं। मैं तो बचपन से कई भाषाएं विदेशी जानता रहा हूँ। संस्कृत जानता था, इंदौर में रहने के कारण मराठी और गुजराती जानता हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है ही। उसके अलावा मैंने जर्मन पढ़ी, रूसी पढ़ी, फारसी पढ़ी, और अंग्रेजी में मेरे कई ग्रंथ हैं और दर्जनों मेरे रिसर्च पेपर्स हैं। मुझे अंग्रेजी से कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा नहीं है। कोई मूर्ख ही किसी भाषा से घृणा कर सकता है। विदेशी भाषाएं सीखना चाहिए, लेकिन भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व दबदबा इस कदर मजबूत है कि हम भी लोग जो हिंदी के लिए बहस करते हैं अपने बैंक में जाके दस्तखत अंग्रेजी में करते हैं, सारे दस्तावेज अंग्रेजी में भरते हैं। शर्म नहीं आती। हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों को मैंने देखा कि वो हिंदी के बजाय अंग्रेजी में दस्तखत करते हैं। और हमारे यहाँ पढ़ाई का माध्यम, अभी जैसे नई शिक्षा नीति आई, बहुत अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने मातृभाषाओं पर जोर दिया है, लेकिन मातृभाषाएं तो चलेंगी गरीबों के स्कूल में, मातृभाषाएं चलेंगी गांव वालों के स्कूल में, मातृभाषा चलेगी आदिवासियों के स्कूल में, और जो अमीरों के स्कूल हैं, जो हम लोगों के स्कूल हैं, ऊंची जातियों के स्कूल हैं, शहरियों के स्कूल हैं, उनके बच्चे सब अंग्रेजी में पढ़ेंगे, क्योंकि सारी नौकरियां तो अंग्रेजी में मिलती हैं। अगर किसी को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे बनेगा वो बिना अंग्रेजी आने? कैसे बनेगा? संसद के अंदर जो कानून बनता है वो सब अंग्रेजी में बनता है। ये देश तो तबाह कर रखा है, गुलाम बना रखा है इस देश को पिछले 70-73 साल के अंदर। क्या करा क्या है इन लोगों ने? सारे नेता हमारे बिल्कुल रद्दी साबित हुए हैं, किसी में भी दमखम नहीं है। अटल जी मेरे इतने मित्र थे, बड़े भाई की तरह थे। मैंने हिंदी दिवस पर, अटल जी ने अपने घर में प्रधानमंत्री निवास में हिंदी दिवस मनाया, मुझे वक्ता के तौर पर बुलाया, तो मैंने अटल जी को कहा
मैंने कहा अटल जी आप हिंदी के कारण अटल जी बने हैं, लेकिन अटल जी के कारण हिंदी क्या बनी है? आपने लिखा सारे मंत्रियों को कि हिंदी में काम करो, उन्होंने आपकी चिट्ठी पढ़ी और दराज के अंदर घुसा दी चिट्ठी। कौन काम कर रहा है हिंदी में? सारे नौकरशाहों की नौकरी करते हैं ये लोग। चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो हिंदी करेंगे, वहां बंगला बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, संसद में आएंगे अंग्रेजी बोलेंगे। ये करते क्या है? इस देश के अंदर एक जबरदस्त क्रांति होनी चाहिए। मैं आपको महात्मा गांधी के कथन की याद दिलाता हूँ, वो एक दस्तावेज है और वो मेरे पास है, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के आजाद होने के बाद हमारे आजाद देश की, स्वतंत्र देश की संसद में अगर किसी ने अंग्रेजी में बोला तो उसको कम से कम 6 महीने की सजा होगी। हमारे यहाँ तो हमारे मंत्री लोग, एक राष्ट्रवादी पार्टी पहली बार इतने प्रचंड बहुमत से जीत के आई है और मंत्री लोग अंग्रेजी में भाषण देते हैं। हमारे यहाँ सारा काम का सरकार का अंग्रेजी में होता है। छोटा मोटा काम जो चौथी श्रेणी के लोग हैं वो हिंदी में कर लें तो कर लें, बाकी सारा काम अंग्रेजी में होता है। और हम लोगों ने अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति जरा भी प्रेम प्रकट नहीं किया है। हमको चाहिए कि हम कम से कम एक भारतीय भाषा तो सीखें। अरे संस्कृत सीखो, और कुछ नहीं सीख सकते। तो मैंने तो बचपन में संस्कृत सीखी जब मुझे पता भी नहीं था कि भाषा नीति क्या होती है। 6-7 साल की उम्र में संस्कृत सीखना शुरू कर दी, धारा प्रवाह बोला करता था। फिर हमने गुजराती भी सीख ली, मराठी भी सीख ली, और अब मेरी इच्छा होती है कि दुनिया की और भाषाएं भी सीखूं मैं। तो भाई भाषाएं तो हमारी सब सम्माननीय हैं, सबकी खूब इज्जत होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि एक बार करुणानिधि जब मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह और मैं दोनों, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह और हम दोनों गए करुणानिधि जी के पास। तो करुणानिधि कहने लगे कि आप दोनों इसलिए आए हैं कि मुझ पर हिंदी थोप दें। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हिंदी थोपने के लिए नहीं आए, हम आप पे तमिल थोपने आए। आप तमिलनाडु का सारा काम तमिल में करो तो अपने आप तमिल भाषी लोग हिंदी सीख जाएंगे। दिल्ली आएंगे तो वो क्या करेंगे? दिल्ली वाले अगर सारा काम हिंदी में करेंगे और तमिलनाडु वाले सारा काम तमिल में करेंगे तो हिंदी वाले तमिल सीखेंगे, तमिल वाले हिंदी सीखेंगे। लेकिन भारत में गुलामी निरंतर चली आ रही है, इस गुलामी को खत्म करना है। हिंदी दिवस को हमें अंग्रेजी हटाओ दिवस के तौर पर मनाना है। अंग्रेजी को हमको रखना है सिर्फ 3 कामों के लिए। एक तो विदेशी व्यापार के लिए अंग्रेजी रखना है। उसमें भी देखिए, मैं दुनिया के करीब 80 देशों में गया हूँ और मैं आपको सच बताता हूँ, एक भी महाशक्ति देश ऐसा मैंने नहीं देखा है कि जो विदेशी भाषा के जरिए महाशक्ति बना हो। सारे जो जिनको आप ग्रेट पावर्स कहते हैं यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, सब दूर अपनी भाषा में काम होता है। चीन में दर्जनों बार गया हूँ, सब काम चीनी भाषा में, नीचे से लेके ऊपर तक। फ्रांस में नीचे से लेके ऊपर तक, जर्मनी में नीचे से ऊपर तक, जापान में, अमेरिका में अपनी भाषा में होता है, इंग्लैंड में अपनी भाषा में होता है। हम हैं रूस के अंदर में पढ़ा हुआ हूँ मास्को में, सारे लोग, स्पुतनिक भेजने वाले वैज्ञानिकों से मेरी बात हुई, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलने का मुझे मौका मिला, सब रूसी में बात करते हैं, अंग्रेजी में कोई बात नहीं करता है। हमारे यहाँ इस कदर गुलामी है, अगर हम एक बार संकल्प कर लें, स्वभाषाओं को आगे बढ़ाएं और विदेशी भाषा को 3 काम के लिए रखें, एक तो विदेशी व्यापार के लिए रखें, कूटनीति के लिए रखें और अनुसंधान के लिए रखें। हमको रिसर्च करना है तो उसके लिए कोई भी विदेशी भाषा का इस्तेमाल करें। जो रिसर्च में, अनुसंधान में, गवेषणा में, शोध में 2 काम होते हैं, एक अभिव्यक्ति की भाषा होती है और एक सीखने की भाषा होती है। आप किसी भी भाषा से ज्ञान अर्जित करें लेकिन अपनी भाषा में व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार की मांग 55 साल पहले जब मैंने की स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में तो मुझे निकाल दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ठप हो गई, डॉक्टर लोहिया ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, हिरन मुखर्जी ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने, भागवत झा आजाद जी ने, सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने, सब ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी और संसद में फिर प्रस्ताव पारित हुआ। संसद की एक विशेष कमेटी बैठी, उस कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि वैदिक को वापस लो। मुझे स्कूल से निकाल दिया था, मुझे वापस लिया और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैं पहला PhD हूँ जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंदी में PhD किया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन देश में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि गुलामी हिंदी नौकरानी बनी रहेगी और अंग्रेजी महारानी बनी रहेगी और हमारा देश पिछलग्गू बना रहेगा, नकलची बना रहेगा। हमारे देश की जो महान प्रतिभा है, प्राचीन भारत की महान प्रतिभा, उस प्रतिभा को विकसित करने के लिए हमें स्वभाषाओं पर जोर देना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैंने लंबा बोल दिया लेकिन मेरे दिल में बहुत उफान है।
और बहुत मुझे इस बात का अफसोस है कि हम अपनी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सारे ऊंचे काम अंग्रेजी के जरिए होते हैं। मैं वैदिक जी आपकी बात सुनने के बाद, अब चूंकि नकवी जी ने भी आपकी बात लगातार सुनी हो, मैं नकवी जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। मैं नकवी साहब, वैश्वीकरण के मौजूदा दौर और बढ़ते दायरे की मजबूरियों के बीच में जो कुछ वैदिक जी ने कहा है, क्या उन व्यवहारिक पहलुओं पर काम किया जा सकता है? आप एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं, वो मेरे को सुनाई नहीं दिया अच्छे से। मेरा सवाल यह है सर कि वैश्वीकरण के मौजूदा दौर और बढ़ते दायरे की मजबूरियों के बीच में जो बातें वैदिक साहब ने कही हैं, क्या उन व्यवहारिक पहलुओं पर काम किया जा सकता है, कितनी संभावना है? देखिए, जैसे कि जब चूंकि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है, मैंने पहले भी कहा था कि उसके कारण कैरियर जो है अब टेक्नोलॉजी है, मतलब वाहन जो है भाषा का अब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विस्तार होगा और जैसे जैसे उस भाषा के बोलने वाले बढ़ेंगे और जैसे जैसे उस भाषा में कारोबार ज्यादा होगा, व्यापार ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा, तो कंपनियां, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां सब उसमें काम करना शुरू करेंगी और उसके हिसाब से उस भाषा की अपनी प्रगति होगी। अब रही बात यह कि जो अंग्रेजी हटेगी क्या, जो हमारे यहाँ का मूल सवाल है, और हमारे ये बड़ी वैदिक जी ने बड़ी बिल्कुल सही बात कही है कि अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो वर्चस्व इतना ज्यादा है कि उसके कारण हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा पनप नहीं पाती है, ये वर्चस्व है। और ये वर्चस्व का दूसरा रूप आप देखेंगे, वो देखेंगे जो आजकल नई हिंदी निकल रही है या इंग्लिश। कुछ समय तक तो वो इंग्लिश खाली टेलीविजन की भाषा रही कि टेलीविजन के समाचारों में, सीरियलों में आप आधी बातें हिंदी में और आधी अंग्रेजी मिला करके बोलते रहे हैं। अब तो जो साहित्य लिखा जा रहा है वो साहित्य में भी अंग्रेजी के शब्दों को ठूसा जा रहा है जबरदस्ती, और उसको नई हिंदी का नाम दिया जा रहा है। तो अब इसको तो हम में से शायद कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी की जो घुसपैठ हिंदी में हो रही है और जो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, वो हम में से किसी के बस में नहीं है कि हम उसको रोक पाए। तो हिंदी का अपना जो स्वरूप है वो बदलेगा, लेकिन जो मेरा अभी ये मानना है कि जैसे जैसे अब जैसे एक बात मैं कहूं कि अभी इंटरनेट का विस्तार हुआ, फेसबुक है, गूगल है, अब ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों का आप स्वार्थ यह है कि पैसा कहाँ है, पैसा है भारत में, अगर इनको कमाना है तो अंग्रेजी में पैसा लगातार कम होता जा रहा है, ये पैसा इनको हिंदी में और भारतीय भाषाओं में मिल रहा है। इसलिए गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भारतीय भाषाओं और हिंदी में जो कंटेंट बन रहा है और जो वेबसाइट्स चल रही हैं छोटी या बड़ी, उन पे उनका पूरा फोकस है, उनको कैसे आगे बढ़ाएं, उनके साथ कैसे साझेदारी करें, ये सारी बातें ये दो बड़ी कंपनियां भारत में कर रही हैं। तो इसलिए ये थोड़े से ये चीजें बदलती जा रही हैं हमारे यहाँ, और ये है। लेकिन हमारे यहाँ ये हम कहें कि हिंदी को हम पूरे भारत में एक साथ करा दें या लागू करा दें, ये थोड़ा कठिन बात है, क्योंकि जो हिंदी को लेकर के दक्षिण के राज्यों में विशेष तौर पे जो एक तरह का प्रतिरोध है और एक तरह की जो अस्वीकार्यता है वो बड़ी भारी है, और उसके लिए हम हिंदी वाले भी दोषी हैं, क्योंकि हमने दक्षिण की के लोगों से कुछ सीखा नहीं, उनके कुछ साहित्य को हम हिंदी में लाए नहीं। दक्षिण में बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय लिखी गई, लेकिन वो हिंदी में हमने उसको ज्यादा छापा नहीं। तो जब तक आप जब तक हिंदी अपने एक को कुएं के मेढक के तौर पर बनाए रहेगी या अपने अहंकार में डूबे रहेगी, जब तक वो भारत की दूसरी भाषाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेगी, तब तक तो ये शत्रुता बनी रहेगी। और जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक पूरे भारत के लिए एक कामकाज की भाषा सब लोग स्वीकार नहीं कर लें, तब तक अंग्रेजी के वर्चस्व को हम ढकेल नहीं सकते। क्योंकि अभी तो सब लोग ये कहते हैं कि ठीक है, हम हिंदी में काम नहीं करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, अंग्रेजी में काम करके काम चला लेते हैं। दूसरी बात यह कि जो वैदिक जी ने कहा उससे बिल्कुल सहमत है कि जितने हम लोग हैं वो अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं, अंग्रेजी में फॉर्म भरते हैं, और अब तो ये हालत है कि जो अभी कह रहे थे कि जो मातृभाषा में पढ़ाई होगी वो गरीब लोग पढ़ेंगे, वैदिक जी गरीब लोग भी अब
गए, मातृभाषा में नहीं पढ़ना चाहते ठीक हैं, ठीक ठीक वो भी अपने बच्चे का अंग्रेजी ही पढ़ाना चाहते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। जी जी हाँ राघवी जी, आपने वैदिक जी को भी सुना? जी जी जी, वो इंडिया और भारत दो बन जाएंगे और जो भारत के लोग हैं वो इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे। गरीब लोग बेचारे अपना पेट काट के बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं, जहाँ पब्लिक के बच्चे जा नहीं सकते, उनका नाम है पब्लिक स्कूल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं तो ये कहता हूँ, स्कूल की बात हुई और सारे पब्लिक स्कूल, मैं एक मिनट एक वाक्य बोल दूं, मैं तो मेरा निवेदन तो यह है कि नई शिक्षा नीति का मैं स्वागत करता हूं, और मैंने अपने नए शिक्षा मंत्री को भी कहा, सबसे पहले तो राजीव गांधी ने जब नरसिंह राव जी को मानव संसाधन मंत्री बनाया तो राष्ट्रपति भवन में मैं भी नरसिंह राव जी के साथ गया हुआ था, वो मेरे परम मित्र थे, तो हम जब कार में बैठे तो राव साहब को मैंने कहा कि आपने राजीव को कहा नहीं कि मानव संसाधन क्या होता है, अरे मनुष्य क्या संसाधन होता है, आप कहिए शिक्षा मंत्री की शपथ लूंगा। मैंने कहा मैं आपकी जगह होता है तो मैं शपथ ही नहीं लेता, मैं नीचे बैठा रहता, राष्ट्रपति के पास जाता ही नहीं। कहने लगे मैं क्या करूं वैदिक जी, आप कांग्रेस में होते तो आप भी मेरे जैसे ही करते। तो अब मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मित्र निशंक को अब शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, लेकिन लेकिन दिक्कत वही है जो अभी हमारे बंधु ने कही ना बात, कि वो गरीब लोग भी अपना पेट काट के बच्चों को इसलिए अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं कि भाई नौकरियां तो अंग्रेजी से मिलनी है, हिंदी से तो नौकरी मिलनी नहीं, क्या करेंगे। इसलिए हमारे सारे स्कूलों में ये अनिवार्य होना चाहिए कि किसी भी तथा कथित पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ाया जाए, अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी, जिसको पढ़ना है स्वेच्छा से विदेशी भाषाएं पढ़े, और एक नहीं चार चार विदेशी भाषाएं पढ़े, जैसे कि मैंने पढ़ी बचपन में 10 साल की उम्र में मैंने जर्मन पढ़ ली थी, जब मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में आया तो मैंने फारसी पढ़ी, मैंने रशियन पढ़ी, मैंने और भाषाएं पढ़ी, क्या उसमें बुराई है विदेशी भाषाएं पढ़ने में, लेकिन थोपना नहीं चाहिए बच्चों में बिल्कुल। वैदिक जी ममता जी के पास चलता हूँ। ममता जी आपने सुना, नकवी साहब की बात भी सुनी और वैदिक साहब की बात भी सुनी, आप तो हिंदी पढ़ाती हैं, शिक्षक हैं, आप बताइए कि स्कूल के अंदर का जो कॉलेज के अंदर का एक माहौल होता है, छात्रों के बीच का जो माहौल होता है, जो अंग्रेजियत हावी ना हो, अंग्रेजी अगर वो पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं स्वागत है, अच्छी बात है, उनको आनी चाहिए, लेकिन हिंदी की अनदेखी की कीमत पर ऐसा हो, वो कहीं ना कहीं खलता है, खटकता है। वैदिक सर और नकवी सर को संबोधित करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि मैं खुद हिंदी की प्राध्यापक हूँ, मैं हिंदी का बहुत सम्मान करती हूँ सर, पर आप बताइए मैं हिंदी का सम्मान करने के अलावा क्या कर सकती हूँ, सम्मान करने से कुछ होने वाला है? मुझे कोई कायदे का अखबार हिंदी में नहीं मिल रहा, तकनीकी ज्ञान की कोई किताब हिंदी में नहीं मिलती, विधि ज्ञान की कोई किताब हिंदी में नहीं मिलती, उच्च न्यायालय का कोई निर्णय हिंदी में मिलता है, सारे निर्णय अंग्रेजी में सुनाए जाते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर हिंदी और अंग्रेजी सूचनाओं का आप अंतर देख लीजिए, इतना अंतर आता है हमने, तो हिंदी करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन जब तक वो शुरुआत जमीन से नहीं होगी सर, ऊपर हवा में पुल कैसे बना सकते हैं? सर आप तो इतने वरिष्ठ हैं, माफी चाहूंगी मैं इतनी गुस्ताखी कर रही हूँ आपके सामने कहने की, लेकिन करना हम सब चाहते हैं, किसी भी सम्मान थोड़ा थोड़ा वर्चस्व की तरह होता है सर, जिसे खुद अर्जित करना पड़ता है, कोई हमें देगा नहीं लाके कि भाई ये लो तुम ले लो, और शुरुआत जब तक नहीं होगी, शुरुआत यानी शुरुआत ही तो गलत तरीके से हो रही है कि हम कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, भाई बच्चे को IIT में भेजना है तो कॉन्वेंट में पढ़ाना ही पड़ेगा, पहले IIT की बुक जो है तकनीकी विधि और ये कानून की जो किताबें हैं, जब तक वहां से अंग्रेजी खत्म नहीं होगी सर, तो शुरुआत मान लीजिए हम 12th तक या उसको पोस्ट ग्रेजुएशन ले भी आए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बंदा क्या करेगा या बंदी क्या करेगी? एकदम सही, सही कह रही है, अभी तो हमें फिर जाना वही पड़ेगा सर, कोई भी इतिहास गवाह है कि विजेताओं की भाषा में हमेशा सम्मान पाया है, चाहे वैदिक काल में आर्यों की भाषा हो संस्कृत, चाहे मुगल काल में फारसी हो सर, चाहे आज की तारीख में इंग्लिश हो, सम्मान उसी का होगा जो विजयी होगा, विजेता होगा, तो विजेता जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक सम्मान हम दे ही नहीं पाएंगे ना सर, क्योंकि खाएंगे तो रोटी ना सर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल ममता जी ने एकदम सही बात कही। मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ कि जब बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं
और कई बच्चों पर तो फाइन लगाया जाता है अगर बच्चे ने एक वाक्य भी स्कूल में हिंदी में बोल दिया तो। जो हिंदी की टीचर होती हैं वो हिंदी की टीचर भी अपने केवल क्लासरूम में हिंदी में बात करती हैं, बाहर जाने के बाद वो उसे भी अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है। तो जब बच्चों के स्कूलों में, बच्चों के विद्यालयों में इस तरह का वातावरण होगा तो किस तरह से बच्चा हिंदी के प्रति अपने मन में गर्व का अनुभव करेगा। उसे जब बात बात पर डांटा जाएगा हिंदी के शब्द बोलने पर, तो बच्चे में तो हिंदी को लेकर एक हीन भावना शुरू से ही आती जाएगी। तो ये तो जड़ से ही समाप्त करनी है वैदिक जी और नकवी जी और ममता जी, मैं सब लोगों से और राघवेंद्र जी ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के मन में जब तक गौरव की भावना उत्पन्न नहीं होगी अपने भाषा के प्रति। मैं तो मूल रूप से मराठी भाषी हूँ लेकिन मैं हिंदी में कविताएं लिखती हूँ। अच्छा, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ मूल रूप से, आजकल तो दिल्ली में रहती हूँ और इंदौर से भी मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि मेरे ससुराल इंदौर में है। क्या बात है, क्या बात। लेकिन मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए विवश हूँ क्योंकि मुझे उनका भविष्य देखना है। लेकिन मैं हिंदी की लेखिका और कवयित्री हूँ तो मेरे घर में हिंदी और मराठी दोनों का वातावरण है। दो बच्चों को मराठी भी आती है और हिंदी भी आती है, लेकिन उन्हें डांटा जाता है हिंदी में बोलने पर। बहन जी, आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। मेरी बेटी जो है यहाँ सेंट स्टीफन्स में पढ़ी है कॉलेज में, उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिली थी, वहाँ से उसने एमए किया और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। वो वाशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। अचानक उसने एक दिन फ़ोन किया कि मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, कहने लगे उनको लेके मैं दिल्ली में रहूँगी, अब दिल्ली आऊँगी, जॉब यहाँ से छोड़ रही हूँ। मैंने कहा जॉब क्यों छोड़ रही है, इतना अच्छा जॉब है। बोले ये बच्चे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, अमेरिका में रहती है तो बोलेंगे अंग्रेजी। तो बोले मैं नहीं चाहती हूँ कि 6-7 साल की उम्र तक ये अंग्रेजी का एक शब्द भी बोले। तो वो यहाँ आई, अब अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। उसके दोनों बच्चों को घर में बिल्कुल अंग्रेजी बोलने की उसने मनाई कर रखी है, टीवी देखने की मनाई कर रखी है, टीवी बिल्कुल बंद कर रखे। अब वो बच्चे अब जब 7-8 साल के हो गए हैं, अब उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू की, उनको फ्रेंच भी पढ़ा रही, संस्कृत भी पढ़ा रही। बोले शुरू के 5 साल मैं बच्चों को मातृभाषा के अलावा कुछ नहीं बोलने दूंगी, पढ़ने नहीं दूंगी, बोलने नहीं दूंगी। इतनी शक्ति उसने रखी, और वो खुद भी फ्रेंच जानती है और अंग्रेजी में तो उसके रोज ही लेख छपते हैं, कई ग्रंथ उसके लंदन से छपे हैं। लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि बच्चों को अपनी मातृभाषा ही सीखनी चाहिए, उसी में बोलना व्यवहार करना चाहिए, बड़े होकर वो 10 भाषाएं सीख लें। तो हम वैदिक जी एक बात मैं कहूँ, मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो मैं तरह तरह के कार्यक्रम हिंदी के और हिंदी कविता को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए उस मंच के माध्यम से करती रहती हूँ। अभी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं बच्चों को लेकर एक कार्यक्रम करूँ। तो मैंने अपने अपार्टमेंट में जहाँ मैं रहती हूँ द्वारका में, वहां मैंने कई बच्चों से कहा कि आप अपनी एक वीडियो बनाकर मुझे दीजिए हिंदी में कविता बोलते हुए, और उस कवि का नाम भी बताइए जिसकी कविता आप बोल रहे हैं। तो अधिकांश बच्चों ने कंधे उचकाकर मुझसे कहा कि हिंदी की कविता इतनी कठिन। तो मैंने कहा कठिन, आप बोल तो हिंदी में ही रही हैं, तो आपको कविता बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? कहते नो, मैं नहीं बोल सकती। तो मैंने लेकिन इस तरह का कार्यक्रम किया और मैंने कम से कम 20 बच्चों को लेकर एक कार्यक्रम किया, फिर अगली बार 20 बच्चों को लेकर और किया, और उनसे ये कहा कि आप जो भी कविता बोलेंगे ईश्वरचित, तो आप 12 साल की उम्र तक तो बच्चे क्या स्वयं लिखेंगे, तो आप जिस भी कवि की कविता बोलेंगे उस कवि का नाम अवश्य बताएं कि इस कविता के रचनाकार कौन है, क्योंकि अधिकांश बच्चे कविता बोलते हैं लेकिन उसके रचनाकार के नाम को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम मैंने बनाया और उन बच्चों को दिखाया जिन बच्चों ने कंधे उचकाकर मुझसे कहा था कि हिंदी बहुत कठिन, तब उन बच्चों को समझ में आया कि नहीं, जब ये बच्चे बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते। फिर अगली बार उन बच्चों ने स्वयं होकर मुझसे कहा कि मैडम आप हमारा भी लीजिए, हम भी बनाकर देंगे। तो इस तरह का कुछ सकारात्मक कार्य अगर समाज में होता रहे तो बहुत अच्छा होगा आगे की लिए। कीर्ति जी, हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं और हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं। एक सवाल मैं पढ़ रहा हूँ और कीर्ति जी आपसे जवाब चाहूंगा। दिल्ली से एल्फन का सवाल है कि नई पीढ़ी हिंदी बोलने और अंग्रेजी बोलने में शान समझती है, क्या ऐसा इसलिए है कि उन लोगों को शायद ये लगता है कि हिंदी बोलने से उन्हें पिछड़ा मान लिया जाएगा और इसलिए अच्छी अंग्रेजी ना होने के बावजूद वो लोग टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से आज भी हमारी एक गुलाम मानसिकता है।
अंग्रेजी भले ही आप टूटी फूटी बोलेंगे, बहुत खराब बोलेंगे, तब भी आपको अच्छा माना जाएगा समाज में। और हिंदी अगर आप अच्छी भी बोलेंगे तब आप, आपके दोस्त मित्र ही आपसे कहेंगे कि ये कौन सी पुराण पंथी की भाषा बोल रहे हो। बल्कि आजकल तो एक मुहावरा बन गया है कि इसकी तो हिंदी कर दी। हाँ, हिंदी कर दी मतलब ये बिल्कुल खराब कर दिया इसको, तो इसका बिल्कुल इसकी बेइज्जती हो गई। तो ये जब इस तरह के मुहावरे बन गए हैं और युवा पीढ़ी तो वास्तव में ये समझने लगी है कि हिंदी में बोलना मतलब पता नहीं कौन सी पुरानी पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। मेरी बेटी, चूंकि हमारे घर में हिंदी और मराठी का ही वातावरण है, तो बहुत सारे शब्द वो अपने बोलचाल में हिंदी के बहुत कठिन कठिन जो दूसरों को लगते हैं उसके दोस्तों को वो भी बोलती है। तो वो कहती है कि मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि वो कौन से शब्द लेकर आ जाती हो तुम, तो हमें समझ में नहीं आते। तो वो बोलती है ये तो बहुत सामान्य से शब्द हैं जो हमारे घर में बोले जाते हैं। लेकिन युवाओं में बिल्कुल मैं इस प्रश्न का उत्तर यही देना चाहती हूँ कि युवाओं में अंग्रेजी बोलने पर अधिक गर्व का अनुभव होता है, और अगर कोई हिंदी बोल दिया जाता है तो उसे थोड़ा कमतर समझा जाता है। उसका ये कारण है कि जवाब दिया अंग्रेजी आपसे। हेलो ममता जी, आप, हाँ, आपसे, आपके पास आ रहा हूँ मैं। दो सवाल हैं जो आपके लिए भी हैं। एक ये है कि छाया गुप्ता जी लिखती हैं कि व्याकरण भी आजकल बच्चों को पहले इंग्लिश व्याकरण के माध्यम से पढ़ाते आए हैं, जैसे नाउन पहले पढ़ाया जाता है, संज्ञा बाद में बताई जाती है, और बच्चे संज्ञा नहीं समझते, नाउन समझते हैं। देखिए संज्ञा जी, क्या नाम जिन्होंने पूछा है उनका नाम छाया गुप्ता जी का सवाल है। छाया जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि अंग्रेजी एक महज भाषा है, किसी योग्यता का प्रमाण नहीं है। जैसे आप ये बता रहे हैं कि नाउन उन्हें पहले पढ़ाते हैं, संज्ञा उसको बाद में बताते हैं। यही मैं पहले भी मैंने इस चीज के ऊपर प्रकाश डाला, इस बात के ऊपर कि जितने भी कॉन्वेंट एजुकेटेड जो टीचर्स हैं, कॉन्वेंट जो स्कूल हैं, उनमें वर्चस्व पूरा अंग्रेजी का है। मतलब हर जो विषय है वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, केवल हिंदी की एक पुस्तक अलग से व्याकरण की या हिंदी जो भी कहानी की कविता की पुस्तक अलग से थी। जब हमारा समय था तो हमारे पास हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें थी, उनमें एक सहायक वाचन भी होता था, जो कि अब कोई जानते ही नहीं है कि सहायक वाचन तो विलुप्त ही हो गया एक तरीके से पाठ्यक्रम में से। मैं आपके लिए एक मजेदार बात बता देता हूँ। जी, कहते हैं ना कि अंग्रेजी श्रेष्ठता का प्रतीक है। आज से 400 साल पहले इंग्लैंड में अगर अदालत में कोई अंग्रेजी बोल दे तो 20 पाउंड का जुर्माना होता था 400 साल पहले। बर्नार्ड शॉ, जो अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं, उन्होंने मरने के पहले एक न्यास बनाया, एक ट्रस्ट बनाया, इसलिए कि अंग्रेजी का सुधार हो। वो अंग्रेजी को बहुत ही भ्रष्ट भाषा मानते थे कि न तो जिसके पास ठीक से व्याकरण है, न जिसका ठीक से उच्चारण है, बीयूटी बट और पीयूटी पुट, पीयूटी पट क्यों नहीं है, पीयूटी पट होना चाहिए अगर बीयूटी बट है तो। ऐसे 2500 उदाहरण बर्नार्ड शॉ ने अपने देवनागरी का तो अपना एक पूरा व्याकरण है। बिल्कुल बिल्कुल, वैज्ञानिक लिपि है वो, बिल्कुल पूरी वैज्ञानिक। और जहाँ तक बोली जाती है वही लिखी भी जाती है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत आपने बहुत सही फरमाया, बहुत सही फरमाया। और जहाँ तक शब्दकोश का सवाल है ना, मैं आपको बताऊं कि एक कोई ये 50-60 साल पहले की बात है, जरा एक एक वाक्य पूरा कर दूं। मैंने किसी सम्मेलन में, जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए थे, अलवर में हुआ था सम्मेलन, उस सम्मेलन में मैंने कहा था कि हिंदी और उर्दू ऐसी भाषाएं हैं, और भारत की तमिल तेलुगु भी वैसी भाषाएं हैं कि जिनमें शब्द राशि का भंडार अथाह है, समुद्र से ज्यादा शब्द उसमें हो सकते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा उस सभा में कि कैसे, तो मैंने कहा एक धातु से हजारों शब्द बन सकते हैं, हजारों। तो एक सन्यासी से मैं मिला, शायद बंबई में थे वो, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बोले ये देखिए मैंने कई बस्ते भर भर के, कई बहुत बड़ी बड़ी पेटियां भर के हिंदी का कोश बनाया है, एक धातु से हजारों शब्द बनाए हैं। मैंने कहा कैसे बनाए, तो बोले एक वेद प्रताप वैदिक नाम का लड़का आया था वहां अलवर में, उसका भाषण मैंने सुना, तब से मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू की और संस्कृत से वो शब्द हिंदी में बनाना शुरू की। मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि अंग्रेजी में हम नहीं लिखेंगे, अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास शब्दों की कमी हो जाएगी, अरे शब्दों का तो भंडार है, एक धातु से हजारों शब्द बनते हैं।
और पाणिनि ने 1800 धातुएं गिनाई हैं। और मैं तो कहता हूँ कि धातुओं के बाहर भी प्रयोग से भी जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को भी जोड़ें, हिंदी उर्दू तमिल तेलुगु कन्नड़ सारे शब्दों को जोड़ के हिंदी को समृद्ध बनाए। अंग्रेजी उसके पासंग भी नहीं, अंग्रेजी कहीं आसपास भी नहीं ठहरती हमारी हिंदी। दो दर्शकों के सवाल आए हैं और वो सवाल ये है कि गरिमा मिश्रा दिल्ली से लिखती हैं सवाल कि आजकल हिंदी की किताबों में भी शब्द अर्थ में इंग्लिश में अर्थ लिखने लगे हैं, क्या ये सही है? और ज्योति को करण सिंघी जी का सवाल ये है, बल्कि उनका एक सुझाव है कि स्कूल और पाठशाला के साथ साथ पॉलिटिक्स में राजनीति में भी हिंदी को अनिवार्य रूप से स्थापित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। शायद उनका इशारा संसद और विधानसभाओं की तरफ है। आपका क्या सोचना है नकवी जी इस पर? मुझसे सवाल है जी? हाँ, देखिए ये संसद और विधानसभाओं में तो काम वहां की भाषा में होना ही चाहिए और बहुत और ज्यादातर मेरे ख्याल से हो भी रहा है। उत्तर भारत की विधानसभाओं में हिंदी में काम हो रहा है और बाकी जगह की विधानसभाओं में उनकी अपनी मातृभाषाओं में काम हो रहा है। जो समस्या है वो यहाँ पे संसद में है कि संसद में अलग अलग क्षेत्रों के सांसद आते हैं और वो ज्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं और ये समस्या यहाँ पर है। तो लेकिन ये मेरा कहना है कि जब तक हम हिंदी को संपन्न नहीं बनाएंगे, अब संपन्न कैसे बनाएंगे, जैसे ये बात अभी ममता जी कह रही थी कि क्या किताबें हैं हिंदी में, नहीं है किताबें, और अगर हैं तो उनकी भाषा क्या है। तो मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं बीए में पढ़ रहा था मनोविज्ञान, मैंने मनोविज्ञान ले लिया, वो मनोविज्ञान की एक किताब जो चलती थी बीए में वो खरीद ली। अब उसमें जो बहुत सारे शब्द ऐसे थे तो उसकी जो है वो अर्थ ही नहीं मालूम हमको कि भी क्या है। जैसे एक था उसमें अध्याय अधिगम पर, तो ये अधिगम क्या है, तो उसके साथ उन्होंने कोष्टक में दिया लर्निंग, तो मुझे भाई ये सीखना है। तो अगर आप सीखना जैसे शब्द को अधिगम कर दोगे और फिर सोचोगे कि बीए का जो छात्र है वो इसको समझ ले और पढ़ ले, तो जो कहने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि नहीं, शब्दावली हमारी अगर पाठ्य पुस्तक है तो बड़ी गंभीर या बड़ी उस तरह की होनी चाहिए। ये ही चीज जो है, ये सोच जो है गलत है और ये सोच बहुत समय तक समाचारों में भी रही। मैं आपको बताऊं, एक और किस्सा बता रहा हूं, जैसे कि एक समय था यहाँ पे भारत में जब पाकिस्तान के टीवी सीरियल बहुत मशहूर थे, उनके ड्रामा बहुत मशहूर थे और ये VHS का जमाना था जब वीडियो कैसेट लोग खरीद खरीद के लाते थे किराए पर, अपने यहाँ लोगों को दिखाया करते थे कि भैया मैं एक पाकिस्तान का ड्रामा लाया हूँ, अब मित्रों को बुलाया और बैठा के दिखाते थे। उस समय की यह बात है कि साहब वो सीरियल जो पाकिस्तानी टीवी के सीरियल होते थे उनकी जो है उर्दू सबको समझ आ जाती थी, लेकिन जब पाकिस्तान टीवी के समाचार सुनिए तो वो उर्दू मेरे को भी समझ में नहीं आती थी कि भाई ये क्या उर्दू बोल रहे हैं। इसलिए जब आज तक की शुरुआत हुई और आज तक में नौकरी मुझे मिली थी भाषा के लिए, मेरा काम ही ये था कि एक ऐसी भाषा आप बनाइए जो देश के कोने कोने तक समझ। सर ने ये बहुत अच्छी बात बोली बिना किसी परेशानी के, तो इसलिए आज तक सर अच्छे से सीख नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत सारे शब्द मुझे खुद नहीं समझ आते, मतलब मुझे पढ़ते हैं सर। जी हाँ, तो इसलिए तो आज तक की जो भाषा बनाई गई हाँ वो भाषा इसलिए बनाई गई और ऐसी बनाई गई कि बैंगलोर हैदराबाद चेन्नई कोलकाता अहमदाबाद देश के हर हिस्से में उतनी हिंदी लोग समझ लेते हैं सीख लेते हैं और वो खबरें वहां तक पहुंच जाएं। तो हमारे कहना है कि हमको हिंदी को व्यवहारिक बनाना चाहिए और संपन्न करना चाहिए, उसमें अच्छी किताबें आए। अमूमन होता क्या हिंदी में कि हम कहानी उपन्यास कविता यहाँ के आगे बढ़ते नहीं है, बड़ी पत्रकारिता की किताबें हैं, गंभीर विषयों की राजनीतिक किताबें हैं, वैदिक जी ने बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन ऐसे लेखक बहुत कम है गिने चुने। और आज के समय में तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि आपको पाठक मिल रहे हैं, अमेजन के और फ्लिपकार्ट और इनके वजह से हिंदी की किताबें काफी बिक रही हैं और अच्छी उनकी मांग है और लोगों को उनकी जानकारियां भी अच्छी तरह से हो रही। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरफ प्रयास करना चाहिए तो स्थिति सुधरेगी जरूर, कोई बहुत निराशा की स्थिति हो ऐसा मुझे लगता नहीं, समय जरूर लगेगा।
नहीं, मैं नकवी साहब की नकवी नकवी साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक मजेदार किस्सा, बहुत छोटा सा एक मजेदार किस्सा आपको बता दूं। मैं पहली बार 1983 में पाकिस्तान गया तो कराची में जिन्ना एकेडमी में हमारे केरल के एक साहब डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे तकरीर कीजिए। मैंने तकरीर की, 2 घंटे बोला मैं जिन्ना साहब के बारे में। उसके बाद हमारे यहाँ के गए हुए कुछ मुसलमान भी वहाँ बैठे हुए थे जिनको मुहाजिर बोलते हैं, उनमें से एक प्रोफेसर साहब उठ के खड़े हुए, बोले सर आपकी इतनी नफीस उर्दू हमने सुनी 2 घंटे, अब 5 मिनट आप हिंदी में बोल के सुनाइए। मैंने कहा भाई मैं तो हिंदी बोल रहा था 2 घंटे से। मैंने कहा मैं 2 घंटे से तो हिंदी बोल रहा हूँ, आप उसको उर्दू कह रहे हैं और आप जो उर्दू बोल रहे हैं उसको मैं हिंदी कह रहा हूँ। तो जुबान में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और अकबर इलाहाबादी ने जो कहा ना वो सबसे अच्छा कहा कि तुझे सब शायरों में अकबर क्यों ना मुंतखिब समझे, बयां ऐसा कि दिल माने, जुबान ऐसी कि सब समझे। सब समझे। एक बात मैं वैदिक जी आपकी बात से बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि पहले जो बच्चों के पाठ्यक्रम थे उसमें हिंदी की कविताएं कहानियां या जो भी थी प्राथमिक स्तर तक मैं बता रही हूँ उसमें बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाती थी। मुझे अभी तक याद है कक्षा 1 में मैंने एक कविता पढ़ी थी, उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई पानी लाई पीती रात समंदर खुले उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में नारी लाली छाई और प्यारी धरती ने प्यारी छवि पाई, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। कक्षा 1 में पढ़ी हुई ये कविता मुझे आज तक याद है। सुभद्रा कुमारी चौहान की इतनी लंबी कविता मुझे आज तक याद है। सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, ये पूरी पूरी कविता याद है। क्योंकि बचपन में जो पढ़ाई गई कविता वो पहले एक बच्चे को सामने खड़े कर लिया करते थे और सारे बच्चों को कविताएं और कहानियां तक कंठस्थ करा दी जाती थी। और प्राथमिक स्तर पर जो कविताएं कहानियां कंठस्थ हो जाती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। लेकिन आजकल वो कंठस्थ कराने का पूरा सिस्टम ही समाप्त हो गया है। बच्चे को पहले नर्सरी कक्षा से ही पेंसिल और कागज कॉपी पकड़ा दी जाती है कि आप इसके ऊपर ABCD लिखिए, उसे कुछ कंठस्थ ही नहीं कराया जाता। तो जब तक उसके मन में कविताओं के प्रति प्रेम, अपने साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, उसे याद नहीं होगी अपनी कविताएं। इतनी कठिन कठिन कविताएं आजकल पाठ्यक्रम में रख दी जाती हैं कि वो अतुकांत कविताएं बच्चे को याद ही नहीं होंगी। उस कविता को याद नहीं होती, वो अतुकांत कविताएं जिसने लिखी हैं तो बच्चे को क्या याद होंगी। तो इस तरह कविताएं ऐसी रखी जाए, सरस कविताएं हों, सरस कहानियां हों जो उनके स्तर की हों और बच्चों को याद हो जाए, तो हिंदी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बच्चों में एक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, एक अनुराग उत्पन्न हो जाएगा हिंदी के प्रति, तो फिर हिंदी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सारे साधन है आजकल हिंदी को बढ़ाने के लिए, लेकिन प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न करने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ हिंदी साहित्य की नहीं हिंदी भाषा की बात करने के लिए सारे एकत्रित हुए हैं कि हिंदी भाषा को और सभी विषयों से हमें जोड़ के तभी वह आगे बढ़ेगी। सिर्फ साहित्य से आगे, साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत आगे है अभी भी हमारी हिंदी। नहीं, भाषा देखिए ममता जी, भाषा भी तभी आगे बढ़ेगी जब उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। बहुत सारी पोथियां लिख दी गई हैं हिंदी में, बहुत सारे अनुवाद भी हो चुके हैं, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचते। जैसे वैदिक जी ने बताया कि इतने सारे एक धातु से कितने सारे शब्द बना दिए गए हैं, लेकिन वो शब्द लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। लोगों तक पहुंचने चाहिए। जब लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के मन में भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, तब अपने आप सारी समस्याएं समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे कीर्ति जी आपने इससे पहले कहा था कि मंचों की और कवियों की, शायरों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज में जागरूकता के सिलसिले में, सामाजिक संदेश देने में, प्रचार प्रसार में, पत्रकारिता की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, बहुत बड़ी, और ये विषय इतना व्यापक है इस पर अलग से एक लंबी चर्चा का आयोजन हम लोग इस तरह से दोबारा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे इस पैनल में है, कार्यक्रम में है, नकवी साहब मैं आपके पास पहले आऊंगा, उसके पास बाद में वैदिक जी का रुख करूंगा। जैसा आपने भी जिक्र किया कि आपको नौकरी आज तक में भाषा के आधार पर मिली थी, पहला बड़ा कारण वो था, लेकिन आप कई साल तक आज तक जैसे एक बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल के हेड रहे, सर्वे सर्वा रहे, और आपके अंडर में आपके तमाम जो जूनियर्स थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो अब तमाम अलग अलग चैनलों में संपादक हैं, बड़े पदों पर हैं,
जब आप वहां थे मुझे याद है कि एक बादशाह थी टीवी इंडस्ट्री में, आज तक की नंबर वन लगातार पोजीशन पे उसका रहना, भाषा के बहुत सारे प्रयोग आपने वहां किए और ऐसे प्रयोग किए जो दूसरे चैनल्स ने वहां से कॉपी किया, वहां से सीखा, तमाम पत्रकारों ने उस विधा को अपनाया और शैली को अपनाया। लेकिन मौजूदा दौर में नफीस साहब जिस तरह की भाषा खासकर टीवी पत्रकारिता में इस्तेमाल की जा रही है और वो माध्यम जो घर घर तक मौजूद है, घर घर में घुसा हुआ है, उससे लोग क्या सीख रहे हैं और कितना ढलान आप देख रहे हैं भाषाई स्तर पर कि वाकई क्या अब टीवी पत्रकारों को और टीवी पत्रकारिता से जुड़े लोगों को आत्मचिंतन और मंथन का ये विषय है, समय आ गया है, उन्हें सोचना चाहिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मीडिया असल में भाषा सिखाने का माध्यम हुआ करता था, और मैं अपनी बात कहूं तो जो आप मेरी हिंदी देख रहे हैं वो सब बनारस के अखबारों की देन है। मैंने 13 साल की उम्र से अखबार पढ़ने शुरू किए हिंदी के, वहां से एक अखबार निकलता था, अभी निकलता है दैनिक आज, और एक अखबार निकलता था गांडीव, शाम को निकलता था गांडीव, सुबह निकलता था आज, और ये दोनों अखबार हम लोग नियमित रूप से पढ़ते थे। और उस समय के अखबारों में भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती थी कि भाषा क्या हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ये हमारे यहाँ लोग लिख देते हैं विमान अपहरण, आज अखबार कभी विमान अपहरण नहीं लिखता था, वो बलान्यन लिखता था। क्यों? उन्नयन से कि बलान नीति, यानी कि वो अपहरित नहीं किया गया, वो बलान्यन हुआ उसका। तो इतना उन्होंने अंतर कर रखा था कि शब्दों में इतना अंतर है, और वो हिंदी पढ़ पढ़ कर हम लोगों की हिंदी अपने आप सुधरती चली गई और हमने बहुत कुछ सीखा, हमारा शब्द भंडार बढ़ा, हमारा वाक्य विन्यास हमारा सुधरा, हम कैसे किन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं वो सुधरा। तो लेकिन जो आज की जो भाषा है, अब आज क्या हो रहा है कि आज पत्रकारों को जब हम भर्ती करते हैं उस समय भाषा का कोई मानदंड नहीं है, वो भाषा का कुछ भी परख नहीं होती, कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती कि भाई इनकी भाषा कैसी है, इनका व्याकरण कैसा है वगैरह वगैरह, तो वो चीज बिल्कुल गौण हो गई है। तो इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी संपादक से लेके जो नीचे इंटर्न तक है, वहां तक कहीं पे भी भाषा को लेकर के कोई बात ही नहीं होती। आपको आज के किसी न्यूज रूम में मुश्किल से शब्दकोश मिलेगा, और अभी तक हालत यह है कि बहुत सारे लोग जो बहुत से जो लोग थोड़े से जिनको भाषा को लेकर थोड़ा सा सचेत हैं, उनमें अलग अलग चैनलों के लोग, अखबारों के लोग अक्सर मुझको व्हाट्सएप पर या फेसबुक में इनबॉक्स पे संदेश भेज के पूछते रहते हैं कि ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, वो शब्द कैसे लिखा जाएगा, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन उनके दफ्तरों में भाषा को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती, कोई उसकी बात नहीं होती कि कैसा लिखेंगे। इसलिए जो मीडिया जो भाषा दे रहा है समाज को, वो भाषा से समाज जो सीख रहा है उसकी भाषा सुधर नहीं रही है, खराब हो रही है, और ये बड़ी चिंता की बात है। वैदिक जी, जैसा नकवी जी ने कहा और खासकर चिंता की बात है, यकीनन चिंता की बात है, टीवी के मुकाबले या टीवी न्यूज चैनल्स के मुकाबले अखबारों की स्थिति कैसी देखते हैं आप, कि फिर भी कुछ गनीमत है या अखबारों में भी अब उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा भाषा का पहले लिखा जाता था? अखबारों की भाषा भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। अखबारों में शुद्ध वाक्य निकालना जिसमें भारतीय भाषाओं का समावेश हो लगभग असंभव हो गया है। कई अखबारों के मालिकों से, जिनसे मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध है, अब तो कई नए लड़के मालिक हो गए हैं, उनके पिताजी लोगों से मेरा संबंध था, उनके पितामह लोगों से मेरा संबंध हुआ करता था, तो उन बच्चों को वो मुझे सब अंकल बोलते हैं, उनको मैं बार बार फोन करता हूँ, भैया तुम्हारे अखबार में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी भाषा को भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है, कोई वहाँ शीर्षक नहीं दिखाई पड़ता, कोई एक खबर नहीं दिखाई पड़ती कि जो ऐसी भाषा में लिखी होगी जिसको गांव का पाठक भी समझ ले। जब तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हुआ व्यक्ति उस खबर को नहीं पढ़ेगा, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगी। सारी संस्थाओं के नाम अंग्रेजी में हो गए हैं, सारे संक्षिप्त नाम अंग्रेजी में हो गए हैं। तो इस मामले में हमारे पाठकों को जागरूक होना चाहिए, आप जैसे पाठक, नकवी साहब जैसे पाठक, मैं भी एक पाठक हूँ, साधारण पाठक है हम सब लोग। हम लोगों को चिट्ठियाँ लिखनी चाहिए अखबारों के मालिकों को, संपादकों को,
और मुझसे तो जो भी संपादक मिलता है मैं उसको बताता हूँ, तो फिर वो 8-15 दिन तो असर रहता है उस बात का, फिर वो मालिक लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा न तो हिंदी को बढ़ाने की है, न उनकी इच्छा पत्रकारिता को बढ़ाने की है, उनकी इच्छा तो वही है जो नेताओं की होती है। नेता क्या चाहता है? वोट और नोट। बेचारा अखबार का मालिक तो सिर्फ नोट चाहता है, उसको तो वोट वोट चाहिए नहीं। तो नोट चाहने के लिए जैसे भी हो काम चलना चाहिए, अखबार बिकना चाहिए। अगर अखबार बिकता है तो कोई उसमें कैसे गंदे फोटो छापे, कैसी भाषा इस्तेमाल करे, कैसी लेख छापे उठपटांग, उसकी परवाह नहीं। परवाह सिर्फ इसकी कि मेरा अखबार बिकना चाहिए और मुझे पैसे मिलने चाहिए। ये बहुत खराब बात है। वैदिक जी, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ गए हैं। अब तक हमने समस्या को लेकर बात काफी की, और अगर हम समाधान की बात करें या निष्कर्ष के तौर पर एक एक कमेंट अगर हम आप सभी लोगों से चाहें, तो आखिरी सवाल यह है हमारा कि अंग्रेजी की बहुत पुरजोर वकालत भी ना की जाए और मुखालफत भी ना की जाए। इसके बाद अगर आप दूसरा पहलू देखें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी को वो मान सम्मान मिल जाए जिसकी वो हकदार है, उसके प्रचार प्रसार में वो तमाम काम किया जाए, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो व्यवहारिक स्तर पर, जनता के स्तर पर हो। क्या सुधार की गुंजाइश आप देखते हो? कैसे संभव है कि हिंदी को उसका सही सम्मान मिलना चाहिए, और कैसे मिल सकता है? वैदिक जी, आपसे शुरू करता हूँ। मैं तो दो वाक्य में आपसे कहूंगा कि जब तक अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जाएगी, हिंदी को और अन्य भारतीय भाषाओं को उनका उचित सम्मान मिलेगा नहीं। लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती देने का मतलब अंग्रेजी भाषा का विरोध बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी भाषा और उसके अलावा पड़ोसी देशों की भाषाएं और महाशक्तियों की भाषाएं हमारे बच्चों को खूब अच्छी आनी चाहिए, इतनी अच्छी आनी चाहिए कि उन भाषाओं के बोलने वाले भी कहेंगे वाह, अरे भारतीयों से सीखो, फ्रेंच सीखना है, चीनी भाषा सीखना है, रूसी सीखना है, तो उच्चारण इनके शुद्ध हैं, ये लोग हैं। लेकिन जब तक उसको चुनौती नहीं दी जाएगी, अंग्रेजी का इसी तरह से महत्व इस देश के अंदर बराबर अक्षुण्ण बना रहेगा, और हमारी भाषाएं अंग्रेजी महारानी बनी रहेगी, हमारी भाषाएं नौकरानियां बनी रहेगी। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिरी कमेंट के तौर पर, आखिरी टिप्पणी के तौर पर, ये महारानी और नौकरानी का अंतर कैसे कम किया जा सकता है? ये अंतर जैसे कि अभी नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और हिंदी पढ़ाने का जो प्रावधान रखा गया है उससे मुझे लगता है काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर तक बच्चे अगर अपनी भाषा में सीखेंगे, हर विषय को सीखेंगे, तो उनमें अपनी भाषा के प्रति अनुराग और गर्व की भावना उत्पन्न होगी, और उसी तरह से जब वो बच्चे बड़े होंगे और किसी भी आधिकारिक पद पर आएंगे तो वो अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से या अपनी राष्ट्र और राजभाषा से कभी उसे नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे, और उसे उसका उचित सम्मान प्राप्त हो सकता है। ममता जी, आपकी आपकी राय में जानना चाहता हूं कि हिंदी को सही सम्मान मिले इसके लिए सरकार के स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, और हम सबकी यानी सामाजिक जिम्मेदारी जो बनती है, हम सबको कैसी कोशिश करनी चाहिए? अगर हिंदी भाषा का धारणीय विकास करना है तो सबसे पहले मुख्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा। आर्थिक विकास का जब विस्तार होगा, हिंदी भाषी क्षेत्रों का जब विस्तार होगा, आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए, पंजाब में कोई बहुत ऐसे लर्ने बहुत पढ़े लिखे नहीं है लोग, लेकिन उनकी जो भाषा है पंजाबी, पंजाबी का डंका विदेशों में भी बज रहा है। समुदाय के लोग बहुत ही योद्धा और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, तो जब भाषा आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर आ जाएगी, मतलब जो जैसे पंजाबी बोल के, पंजाबी वाले जो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं हिंदी बोलेंगे तभी उन्हें जानेंगे, लेकिन बुंदेलखंडी अगर कितने जा रहा हो बोल दिया, और इधर पंजाब वाला अगर बोल रहा है कि कितने जा रहा है, तो आप देखिए एक को गवार समझा जाएगा और दूसरे को गवार नहीं समझा जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो क्षेत्र है, पंजाबी जो क्षेत्र है, वो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है, तो जितने हिंदी भाषा वाले जो क्षेत्र हैं, जो हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र हैं, वो अगर आर्थिक विकास कर पाते हैं इस भाषा के साथ में, तो भाषा के उसमें, भाषा के स्तर को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि विद्यालयीन क्षेत्रों से इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, हिंदी में मौलिक को बढ़ावा देना पड़ेगा,
जब रोजगारोन्मुखी भाषा बन जाएगी तो भाषा का स्तर खुद ब खुद सुधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता जी आपका। हर देसी चीज को सस्ता, कोई भी देसी चीज को सस्ता समझना जरूरी नहीं होता कि अगर भाषा हमारी देसी है तो वो सस्ती ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो अच्छी होगी और हिंदी स्कूल थोड़े सस्ते हैं तो वो खराब होंगे। हिंदी स्कूलों से भी बहुत लर्नेड और वो सब निकलते हैं, हिंदी स्कूलों से हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले भी आईएएस बनते हैं, लेकिन नकवी साहब मैं आपके तरफ रुक कर रहा हूं। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है राहत इंदौरी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, उनका कुछ मुझे याद आ रहा, शायद उन्हीं का शेर है ये कि इससे पहले कि हवा थरथराने लग जाए उससे पहले मेरी खाक ठिकाने लग जाए, अब साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता वो मुझसे गले किसी और बहाने लग जाए। तो अगर भाईचारे की बात करनी है तो साल में एक दिन का इंतजार क्यों हो कि ईद आएगी तब हम गले मिलेंगे तब भाईचारा बढ़ाएंगे। तो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, एक लगातार कोशिश होनी चाहिए। तो अगर हिंदी को मान सम्मान दिलाना है, सही जगह पर पहुंचाना है, सही रास्ते पर ले जाना है, तो क्यों हम हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह और हिंदी दिवस का इंतजार करें? क्यों ना हम पूरी साल और लगातार कोशिश की जाए हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से और सभी की तरफ से। लखवी जी नहीं, वो राघवेंद्र जी, ये तो हो रहा है कि हिंदी वाले तो काम कर ही रहे हैं और हिंदी वाले बढ़ रहे हैं जहां तक, और अब सरकारी दफ्तरों में भी ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, वहां भी काम हो रहा है। और जहां तक मुझे याद है कुछ साल पहले तक की बात मैं बता रहा हूं आपको कि होम मिनिस्ट्री की ओर से काफी सक्रिय प्रयास किया गया कि हिंदी जो है उसमें काम हो और आसान हिंदी इस्तेमाल की जाए दफ्तरी कामकाज में, इस बात की का अभियान चलाया गया था कुछ साल पहले सारे सरकारी दफ्तरों में। तो वो लगातार करते रहते हैं और लगातार अब जैसे जिस तरह से हिंदी के माध्यमों का, जैसे मैंने चर्चा की आपको कि इंटरनेट के आने के बाद डिजिटल माध्यम पर, वेबसाइटों पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, गूगल पर, और जो ये कंटेंट एग्रीगेटर हैं डेली हंट या शेयर चैट, इस तरह के उस पर जैसे जहाँ जो हिंदी का प्रचार हो रहा है, जो हिंदी का प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि अब व्यापार ही यही है बेसिक बात है, क्योंकि जो बड़े शहर हैं वहाँ जिनको इंटरनेट लेना था वो ले चुके, अब जिनकी उनके पास ब्रॉडबैंड आ चुका, उनके पास मोबाइल फोन आ चुका, तो वो एक मोबाइल फोन दो मोबाइल फोन ले चुके, अब कितना खरीदेंगे। उसके बाद जो टीयर टू और टीयर तीन के शहर थे वहां मोबाइल फोन पहुंच गए, अब उसके बाद जो है वो अब गांव तक मोबाइल पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे ये अभी जितने लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या मोबाइल नहीं है, है उनके पास जब इंटरनेट पहुंचेगा तो हिंदी और भारतीय भाषाओं का विस्तार और होगा और वो और आगे जाएंगे। तो इसलिए ये काम लगातार चल रहा है अब। लेकिन जो ममता जी ने कहा कि जैसे हम दिन जब कोई मनाते हैं, दिवस या पखवाड़ा मनाते हैं, तो थोड़ा उसमें जोश आ जाता है, थोड़ा उसमें ताकत लगा देते हैं, तो ये ताकत लगाना भी चाहिए, अच्छा है, क्योंकि इस बहाने कम से कम देखिए आज ही हम लोगों ने चर्चा की एक घंटे की हिंदी को लेकर के, और केवल हम ही ने चर्चा नहीं की, पूरे देश में इस तरह के पता नहीं कितने आयोजन हो चुके हैं। तो लोगों में एक प्रकार से एक भाव तो पैदा होता ही है, एक संकल्प तो पैदा होता ही है कि हमको हिंदी के लिए काम करना है, काम करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजनों की उपयोगिता है और ये हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई बुरी बात नहीं और इसकी यकीन उपयोगिता भी है और इसका संदेश बड़ा सकारात्मक और सार्थक दूर तक जाता है। कीर्ति जी, हमारी दर्शक यानी इस वक्त हमारे जो कार्यक्रम को देख रही है माधुरी मुस्कान शर्मा, और उन्होंने एक निवेदन किया है अपने कमेंट के जरिए आपसे कि कीर्ति दीदी से एक गीत का निवेदन है, और मैं चाहूंगा कि देश दुनिया की एक बड़ी कवित्री अगर हमारे आज कार्यक्रम में है तो जाते जाते ये हमारी भी ख्वाहिश है कि आप कोई मुक्तक, छंद या कोई गीत अगर हिंदी से जुड़ा हो तो जरूर हमारे दर्शकों को सुनाए और हम सबको सुनाए। जरूर जरूर, नहीं जुड़ा हो तो भी सुना दें। किसी कवि या लेखक के लिए क्या सबसे अच्छा क्या होता है, उसे अगर कुछ अच्छा उसका स्वलिखित सुनाने के लिए कोई फरमाइश करे तो आपको मैं धन्यवाद देती हूँ राघवेंद्र जी कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। हिंदी भाषा पर लिखा हुआ मेरा एक गीत है जो मैं आपको
सब लोगों को सुनाती हूँ आपके माध्यम से, सुनिएगा जी। कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। तुलसी सूर कबीर जाय सी के आंगन में खेली है, मीरा और महादेवी की हिंदी सखी सहेली है, घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है, घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है, खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है, खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है, पंत प्रसाद निराला के सपनों को ललित ललाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। और क्यों करें? कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, देवनागरी लिपि इसकी, संस्कृत की बेटी सर्वाधिक वैज्ञानिकता है जिसकी, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में, अपनी भाषा अपनी बोली को ही प्रथम प्रणाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। और अंतिम पद है इस गीत का, कि एक निशान हो एक प्रधान हो एक संविधान, एक निशान हो एक प्रधान हो एक हो संविधान अपना, बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना, एक निशान हो एक प्रधान हो एक हो संविधान अपना, बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना, हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी, हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी, सब भाषाएं छोटी बहने हिंदी सबसे बड़ी है जी, बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। वाह 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 कीर्ति जी, वाह धन्य है, बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद हो गया, बरसों बाद सुना आपको, बहुत आनंद हो गया, बहुत धन्यवाद वैदिक जी, खूबसूरत गीत कीर्ति जी, बाकी बहुत खूबसूरत, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखते हैं भाई, आज मैंने कई वर्षों बाद सुना इनको, बहुत आनंद हुआ, बहुत धन्यवाद, क्या बात है, क्या बात, 12-14 साल से सुन रहा हूँ और देश दुनिया में यकीनन एक बड़ा नाम कीर्ति जी का, बड़ी शोहरत है और हिंदी मंच के माध्यम से हिंदी की सेवा लगातार कर रही हैं और ये साधना है कीर्ति जी की, आप सभी लोग अपने अपने जी, आज नकवी जी को भी पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे, नकवी जी से भी कमाल कमाल की हिंदी बोलते हैं, तो वाह जी जी, क्या बात जी, हमारी खुश नसीबी है अमेज फाउंडेशन के लिए, आप राघवेंद्र जी को सब श्रेय है, हाँ ये श्रेय राघवेंद्र जी को है, आपको आपको सुनने का मौका मिल गया, मैं तो आपको देखता नहीं, था जब तो कभी बुलाते थे आप मुझे, आज मैं आज तक मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ नकवी साहब का, वैदिक जी का, कीर्ति जी का, डॉक्टर ममता जी का, आप लोगों ने समय निकाला और ये हमारी खुश नसीबी है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के मौके पर आप सभी दिग्गजों के साथ चर्चा करने का मौका मिला और उम्मीद है हम आगे फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोशिश करेंगे कि दोबारा जुड़े और किसी सार्थक विषय पर सार्थक चर्चा करें, बहुत धन्यवाद, 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 नमस्कार।